सिर्फ चार मिसरे जनाब मेयार जरवली साहब के इस्तकबाल में पढ़ता हूँ। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद देखा जरा देखिए हजरात, आज करोड़ों लोग ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरबईन पर जा रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि बम बारूद करके इनको मिटा दिया जाएगा, गोला बारूद करके इनको मिटा दिया जाएगा, बम ब्लास्ट करके इनको मिटा दिया जाएगा। लेकिन हम उनसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मारकर मिट जाने वाले कौम में से होते तो करबला में ही मिट गए होते। लेकिन आजकल पूरी कायनात शियों को मिटाना चाहती है, करबला ना जाएं, लेकिन माशाल्लाह हर साल करोड़ों ज़ायरीन करबला के लिए जा रहे हैं। मैं चार मिसरे मौलाना शरण नकवी साहब के पढ़ता हूँ कि पए हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, पए हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, गुरूरे जुल्म व सितम हो तो रोक ले हमको, गुरूरे जुल्म व सितम हो तो रोक ले हमको, तो बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबला, किसी के बाप में दम है तो रोक ले हमको, बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबला, किसी के बाप में दम है तो रोक ले हमको। आइए हजरात गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेयार जरवली साहब से दुआएं और बारगाह मौला में नज़राने के लिए फरमाएं बाबा से बुलंद नारा सलाम। 14 सदियों से रवा है शायरी का ये सफ़र, वकार भाई 14 सदियों से रवा है शायरी का ये सफ़र, हो न पाया एक कसीदा भी रकम अब्बास का। 14 सदियों से रवा है शायरी का ये सफ़र, हो न पाया एक कसीदा भी रकम अब्बास का, मेरा बोसीदा मका भी हो गया बैतुशरफ, मेरा बोसीदा मका भी हो गया बैतुशरफ, जिक्र सुनने आ गए अहले हरम अब्बास का, मेरा बोसीदा मका भी हो गया बैतुशरफ, जिक्र सुनने आ गए अहले हरम अब्बास का। आज़ाद ये चार मिसरे महसूस कीजिएगा समाप्त फरमाएं वक़ार भाई के, जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना अहतमाम, जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना अहतमाम, क्या मिलेगा आपको फिर दिल किसी का तोड़कर, जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना अहतमाम, क्या मिलेगा आपको फिर दिल किसी का तोड़कर, कैफियत उनसे गमे शब्बीर की पूछो ज़रा, मजलिसे करते हैं जो एक एक पैसा जोड़कर, कैफियत उनसे ज़रा गमे शब्बीर की पूछो ज़रा, कैफियत जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना अहतमाम, जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना अहतमाम, क्या मिलेगा आपको फिर दिल किसी का तोड़कर, कैफियत उनसे गमे शब्बीर की पूछो ज़रा, मजलिसे करते हैं जो एक एक पैसा जोड़कर, कैफियत उनसे गमे शब्बीर की पूछो ज़रा, मजलिसे करते हैं जो एक एक पैसा जोड़कर। एक मतलब दो तीन शेर सरकार बहुत जल्दी जल्दी के महदूद, मतलब बतौर ख़ास कि महदूद सिर्फ ख्वाब नबूवत के वास्ते, महदूद सिर्फ ख्वाब नबूवत के वास्ते, कुर्बानियों का काम इमामत के वास्ते, महदूद सिर्फ ख्वाब नबूवत के वास्ते, महदूद सिर्फ ख्वाब नबूवत के वास्ते, कुर्बानियों का काम इमामत के वास्ते, तुमने ज़मीं पे कद्र नहीं की है इसलिए, तुमने ज़मीं पे कद्र नहीं की है इसलिए, नैज़े पे आ गए हैं तिलावत के वास्ते, तुमने ज़मीं पे कद्र नहीं की है इसलिए, तुमने ज़मीं पे कद्र नहीं की है इसलिए, नैज़े पे आ गए हैं तिलावत के वास्ते। अकबर अजान दे चुके मैदान जंग में, अकबर अजान दे चुके मैदान जंग में, बेशीर आ रहा है अकामत के वास्ते, अकबर अजान दे चुके मैदान जंग में, अकबर अजान दे चुके मैदान जंग में, बेशीर आ रहा है अकामत के वास्ते। और शेर बतौर ख़ास समाप्त फरमाएं कि बीमार बेड़ियों में है जकड़ा हुआ मगर, बीमार बेड़ियों में है जकड़ा हुआ मगर, खतरा बना हुआ है हुकूमत के वास्ते, बीमार बेड़ियों में है जकड़ा हुआ मगर, बीमार बेड़ियों में है जकड़ा हुआ मगर, खतरा बना हुआ है हुकूमत के वास्ते। सज्जाद आ रहे हैं अकेले फ़कीर शाम, सज्जाद आ रहे हैं अकेले फ़कीर शाम, कुछ फ़ौज रख ले अपनी हिफाजत के वास्ते, सज्जाद आ रहे हैं अकेले फ़कीर शाम, कुछ फ़ौज रख ले अपनी हिफाजत के वास्ते, सज्जाद आ रहे हैं अकेले फ़कीर शाम, कुछ फ़ौज रख ले अपनी हिफाजत के वास्ते। और ये शेर बतौर ख़ास समात फरमाएँ कि वो तो कहो कि हुक्म खुदा पर हुसैन ने, वकार भाई की, वो तो कहो
کہ حکم خدا پر حسین نے رکھ دی ہے ذوالفقار قیامت کے واسطے. وہ تو کہو, وہ تو کہو کہ حکم خدا پر حسین نے, وہ تو کہو کہ حکم خدا پر حسین نے, وہ تو کہو کہ حکم خدا پر حسین نے رکھ دی ہے ذوالفقار قیامت کے واسطے. اور شعر محسوس کیجیے گا کہ کرب و بلا کے ایسے بھی دیکھے ہیں زائرین, کرب و بلا کے دیکھے ہیں ایسے بھی زائرین, شانے کٹے ہیں جن کے زیارت کے واسطے. کرب و بلا کے دیکھے ہیں ایسے بھی زائرین, شانے کٹے ہیں جن کے زیارت کے واسطے.